हाँ, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? लेकिन रुको, पृथ्वीवासियों का क्या होगा? उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन तुम्हें तो उनकी परवाह है ना? एक बार फिर से सोच लो। और मेरे पृथ्वीवासी कब से मेरी जगह कहीं और जीवन जीने की तलाश कर रहे हैं, समझे? किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता। मैं अब ये सब और सहन नहीं कर सकता, बस बहुत हुआ। नहीं रुको जरा, एक सेकंड। देखो, अगर तुम मेरे और करीब आए ना तो मुझ पर सोलर फ्लेयर फेंकोगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, जल्दी स्टेटस बताओ। अच्छा, तो अर्थ काफी तेजी से अपने गोल्डी लॉक्स जोन से बाहर जा रहा है। फिर भी कितनी तेजी से? मैं आपको समझाता हूँ। गोल्डी लॉक्स जोन 0.95 से 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में है। अरे तुम आसान शब्दों में क्यों नहीं बता देते? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है अर्थ और सन के बीच की दूरी को। ये कितना है? 33 करोड़ मील। बढ़िया, मतलब हमारे पास बहुत समय है। नहीं सर, हम 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से सन की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधा बताओ ना कि गोल्डी लॉक से निकलने से पहले हमारे पास कितना समय है? 5 घंटे से भी कम सर। हे भगवान। अर्थ, अर्थ, स्पेस में आवाज नहीं होती, पता है ना? हाँ, ऐसे तो प्लैनेट्स भी बोल नहीं सकते और अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकते। हम काफी समय से फिजिक्स के लॉज को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे पता है तुम चिंतित हो, मुझे बस मुंह से बात करने की आदत नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम्हारे पास? हाँ, मेरा कोई मून नहीं है। आज तक मैं किसी मून के इतने पास नहीं गया, तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या? यही कि तुम्हारा कोई मून नहीं है और हम किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लैनेट्स के मून होते हैं और मून के प्लैनेट्स। मेरी नजर में तो ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, और इसी तरह सन के प्लैनेट्स और प्लैनेट्स का सन होता है। काश इस बात को सभी समझ पाते तो। मुझे लगता है कि बाकी प्लैनेट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, चीजें जैसी हैं वो सभी प्लैनेट्स उससे खुश हैं। हाँ तो देख लो अब क्या हो रहा है। फिलहाल सारे मून्स एक तरह की क्रांति पर उतर आए हैं और अपने आप को साबित करने के लिए वो अर्थ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या? एक मिनट, वो देखो वहाँ पर अर्थ है। अर्थ, तुम अपने ऑर्बिट से काफी आगे निकल गए हो। मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, जाकर किसी और प्लैनेट को ऑर्बिट करो। एक मिनट, क्या तुम सन की तरफ बढ़ रहे हो? अब सभी खुश रहेंगे, समझे? तुम, वीनस, मार्स, मेरे पृथ्वीवासी सब यही तो चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो। फोन मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने कहा था ना, अर्थ का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, समझ गया। हेलो, क्या आपने हमारे खास दोस्त पेट्रियन के बारे में सुना है? नहीं 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 नहीं, इसे स्किप मत करो। हमारी टीम ने एक चैलेंजिंग डिसीजन लिया है। हम लगातार बड़ी वीडियोस पोस्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा कंटेंट डालना चाहते हैं जिससे आपको मजा आए, आपकी नॉलेज बढ़े, ना कि ऐसा कंटेंट जिससे सिर्फ नंबर्स बढ़े। मैंने अपने सभी पृथ्वीवासियों को स्पेस में भेज दिया है। वहाँ सबसे पहले घर बसाने वाले को मिलेंगे लाखों डॉलर्स। तो आप समझ गए ना, हमारे पेट्रियन को सपोर्ट कर आप हर महीने 3 बड़ी वीडियोस बनाने में हमारी मदद करेंगे। खैर, इसके अलावा भी आपके लिए वहाँ काफी रिवॉर्ड्स हैं। अरे भाई, लेकिन ये रिवॉर्ड्स है क्या, जरा बताओ तो। यार, आप हमारे कंटेंट को दूसरों से पहले देख पाएंगे। ये वीडियो काफी समय पहले ही पेट्रियन पर आ चुकी थी। इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स, डिलीट किए गए सीन्स, क्रेडिट में आपका नाम, एनिमेटेड शो बनाने के ट्यूटोरियल्स, और तो और एस्ट्रोडूट पर आ रही मूवी से रिलेटेड जानकारी भी। अच्छा, तो क्या तुम टीयर्स के बारे में भी कुछ बता सकते हो? बेशक, हमारे 4 टीयर्स हैं, कॉमेट, मून, प्लैनेट और स्टार। हर टीयर के अपने यूनिक फायदे हैं ताकि हर कोई हमारे इस मिशन में शामिल हो सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जितना ऊंचा टीयर उसमें उतने ही लिमिटेड लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर बिल्कुल ना करें। हमें ऑलरेडी सपोर्ट करने वाले पेट्रियंस का बहुत बहुत धन्यवाद और नए पेट्रियंस का हमारी टीम में स्वागत है। तो चलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। तो हाँ, अगर हम अपने गोल्डी लॉक जोन से बाहर चले गए तो अर्थ काफी गर्म हो जाएगा और रहने लायक नहीं रहेगा। काफी खतरनाक रेडिएशन आ जाएंगे, इसलिए अर्थ को जल्द से जल्द खाली करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 घंटे ही बचे हैं? इतनी जल्दी हम सब अर्थ को कैसे छोड़ पाएंगे? माफ करना, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 3 घंटे तो मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाने में ही लग गए। खैर, लगता है कि वाट लगने वाली है, तो मैं तो चला। मैं भी चला यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं दोस्त, हमारी जासूस सैटेलाइट्स ने तुम पर नजर रखी हुई थी। हमें तुम्हारा प्लान पता है, थोड़ा सब्र तो करो। वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसे हालातों का सामना करने के लिए हम सब ने बहुत बड़े रॉकेट्स बना रखे हैं। क्या तुम सबके पास? खैर, वो तो सभी बड़े देशों के पास है। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुम अपना रॉकेट खुद बना लो परू। ऐसा मत करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट छीन लूंगा मैं। अरे मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी अपने साथ ले चलो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
शांत हो जाओ। अर्थ ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। क्या? लगता है अब होनी को कोई नहीं डाल सकता। अर्थ, हमारी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? बात तो तुम्हें सुननी ही होगी। चलो मून। तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रहे हैं। रुक जाओ, मैं ये सब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरे पृथ्वीवासी तो मुझे छोड़ने की तैयारी में भी लग गए हैं। मुझे पता है कि पृथ्वीवासियों ने स्पेसशिप्स बना रखे हैं। मुझे सब पता है। मैं उनके एक एक कदम पर नजर रखता था, बस उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था। वो मेरे बिना खुश रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तुम जो करने जा रहे हो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मुझे तो यही सही लग रहा है। नहीं, तुम भी जानते हो कि ये गलत है। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया था। अर्थ, हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन थोड़ा सब्र करो, सब पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसा खुशहाल। क्या मतलब है कि मैं स्पेस में नहीं जा सकता? मैं कह रहा हूँ कि दुनिया खत्म होने वाली है। बाय। सर जी, आपके बॉस नहीं चाहते कि आप अर्थ को छोड़कर जाएं? नहीं ना, उन्हें लगता है कि मैं ये सब बकवास कर रहा हूँ। मैं अभी स्पेस में नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा सपना था। सर जी बोलो। अरे आप तो अपना काम कर रहे थे, वैसे भी आप बुरे इंसान नहीं है। थैंक यू, तुम भी काफी अच्छे इंसान हो। ये तो मैं जानता हूँ जी। मुझे लगा था कि जीवन होने के कारण मैं खास हूँ, इसी कारण तुम सब भी मुझे पसंद करते थे। और जब मुझे पता लगा कि और प्लैनेट्स हैं, मून पर भी जीवन हो सकता है, तो मैं थोड़ा जेलस हो गया और सब गड़बड़ कर दी। हाँ, तो तुम सबसे जाकर माफी मांगो, जीवन के कारण तुम खास नहीं हो, समझे? अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। हमें पता है तुम ये कर सकते हो। और हम जानते हैं कि तुम्हें बुरा लगा और तुम हमेशा मुश्किलों का सामना करते हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम कितने खास हो। मैं, तुम सच? अर्थ, तुम ठीक तो हो ना? ए, अर्थ और मैं पड़ोसी प्लैनेट्स हैं, तो हमारी दोस्ती तो बनती है ना? हमने जीवन पनपने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की और तुम सफल भी हुए। तुमने अपना सपना पूरा किया। सॉरी, माफ कर देना, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने तो दिल पे ले लिया, मेरे साथ पत्ते खेलना चाहोगे? मैं बेहतर बनने की कोशिश करना चाहता हूँ फिर से। वाह, ये हुई ना बात। हाँ, पता है मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि मेरे तो पसीने छूटने लगे। क्या कहा? अर्थ वापस आ रहा है? सर जी, हम लोग बच गए। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। सच में ये स्पेस कितना ही अजीब है। तो अब आगे क्या? अब हम काम पर लगेंगे। ये आसान नहीं होने वाला अर्थ। आसान कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। ना तो माफी मांगना और ना ही किसी को माफ करना। मून, मैं तुमसे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया अर्थ। हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पेट्रियन पर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है, जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं।